जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग पॉलिटी की क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे नागरिकता की। और इससे पहले संघ एवं राज्य क्षेत्र और उद्देशिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेट करके क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बड़े पैमाने पर आते हैं, वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इस समय मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित भी होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे नागरिकता और नागरिकता के संबंधित प्रावधान। तो नागरिकता एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, किसी भी देश में या कोई भी जो राज्य होता है या कोई किसी भी देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं, है ना। और लेकिन सभी प्रकार के लोग जो है नागरिक नहीं हो सकते, है ना। नागरिकता का अर्थ अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो क्या होगा? नागरिकता का अर्थ जो होता है, एक तरीके से नागरिकता किस बात की घोषणा करता है, अगर यहाँ पे एक लाइन में बोला जाए तो नागरिकता जो है राज्य और वहाँ रहने वाले लोगों के बीच, यानी कि जो वहाँ के नागरिक है, राज्य और नागरिक के बीच में अंतः संबंधों की घोषणा करता है। यानी कि जो राज्य है ना, नागरिकता जो है राज्य और नागरिक के बीच में एक अंतः संबंध की घोषणा करता है। यानी कि एक इनके बीच एक संबंध है, वो संबंध कौन बताता है? नागरिकता। यानी नागरिकता क्या है? एक स्टेटस है, एक स्तर है। नागरिकता क्या है? एक स्तर है, एक स्टेटस है, जो कि राज्य में किसी व्यक्ति को मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो राज्य है और नागरिक है, ये दोनों क्या है कि एक दूसरे के अनुपूरक भी हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में इस बात को समझाया था कि एक राज्य जो होता है उसके क्या गुण होते हैं या उसके तत्व क्या होते हैं, जिसमें मैंने क्षेत्र बताया था, एक जनसंख्या होनी चाहिए। तो जनसंख्या कैसे होगी? जब हम किसी को नागरिक मानेंगे या किसी व्यक्ति को नागरिकता देंगे तभी तो होगी। तो यहाँ पर एक अंतः संबंध है। तो नागरिकता क्या है? एक स्तर है, एक स्टेटस है, जो राज्य और नागरिक के बीच में एक अंतः संबंध को बताता है। सिंपल तरीके से एक बात ये हो जाती है। तो नागरिक केवल वही व्यक्ति को हम कहते हैं जिसके पास सभी राजनैतिक और नागरिक अधिकार हो। ठीक है, नागरिक हम किसे बोलेंगे? एक सीधा शब्द भी आ गया कि नागरिक कौन होगा? नागरिक केवल वही व्यक्ति होगा जिसके पास उस देश में राजनैतिक और नागरिक अधिकार, सभी, ठीक है, कौन से? सभी राजनैतिक और नागरिक अधिकार होंगे। तो भाई सीधी सी बात है, ये समझिए कि भारत में कोई विदेशी व्यक्ति आया, और विदेशी व्यक्ति जो आया तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार थोड़ा ही है भाई, कि भाई तुम चुनाव लड़ सकते हो? नहीं, उसे भारत का नागरिक बनना पड़ेगा उससे पहले चुनाव लड़ने के लिए। या तुम चुनाव में वोट थोड़ी डाल सकते हो, है ना, मतदान थोड़ी कर सकते हो, इलेक्शन में हिस्सा थोड़ी ले सकते हो। तो भाई जो ये राजनीतिक अधिकार है, है ना, वो किसको प्राप्त है? या कोई विदेशी व्यक्ति आकर हमारे यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी बना सकता है? नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि वो हमारे यहाँ का नागरिक नहीं है। और ये अधिकार किसको होगा? केवल और केवल नागरिक होगा। तो इसीलिए नागरिक कौन है? केवल वही व्यक्ति है जिसके पास सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार है। सभी की बात हो रही है यहाँ पे, सभी नागरिक अधिकार। जैसे कि सभी नागरिक अधिकारों में बहुत सी चीज़ें, जैसे मुख्य रूप से क्या चीज़ें आ जाती हैं, मौलिक अधिकारों की अगर हम बात कर लें, तो जो सभी मौलिक अधिकार हैं वो किसके पास होंगे? नागरिक के पास होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि विदेशी व्यक्ति के पास मौलिक अधिकार नहीं होंगे, विदेशी व्यक्ति के पास ही मौलिक अधिकार होंगे जो हमारे यहाँ आएगा, लेकिन उसके पास सभी मौलिक अधिकार नहीं होंगे, है ना, सभी मौलिक अधिकार नहीं होंगे, बल्कि कुछ मौलिक अधिकार होंगे। लेकिन सभी मौलिक अधिकार और सभी राजनीतिक या नागरिक अधिकार, जो सिविल राइट्स हैं या पॉलिटिकल राइट्स हैं, ऑल पॉलिटिकल्स एंड सिविल राइट्स, किसके पास हैं? जो नागरिक है, जो सिटीजन है, हमारे यहाँ का देश का सिटीजन। तो यानी नागरिक कौन होगा? वह व्यक्ति जो जिसके पास सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार है, वह नागरिक है। और नागरिकता क्या है? नागरिकता एक स्टेटस है, एक स्तर है, जो ये बताता है राज्य और नागरिक के बीच में एक अंतः संबंध है कि यह व्यक्ति उस देश का नागरिक है। ऐसा हम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि उस देश ने वहां के उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की हुई है। एक स्टेटस है, एक स्तर है, एक लेवल है, जो ये बताता है कि वह व्यक्ति उस देश का नागरिक है। तो इस चीज को हम यहां देखते हैं कि नागरिकता क्या होती है। नागरिकता कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संविधान में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं नागरिकता को पाने के, नागरिकता को छोड़ने के, तो उस विषय पर ही आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले हम इस चीज़ को और देख लेते हैं कि जो नागरिक होता है या नागरिकता जो शब्द है, ये जो नागरिकता शब्द है, इसमें
एक तथ्य और छिपा होता है। क्या तथ्य छिपा होता है? कि नागरिकता शब्द जो होता है वो इस तथ्य से छिपा होता है कि उसके अंदर जो नागरिक है वो नागरिक जो है राष्ट्र के प्रति निष्ठा भाव रखता है ना, निष्ठा भाव रखता है। निष्ठा की जो भावना है वह भी नागरिकता के अंतर्गत समाहित होती है। उसके अंतर्गत का तथ्य जो होता है वो क्या होता है? नागरिकता के अंतर्गत समाहित होता है राष्ट्र के प्रति जो एक निष्ठा की भावना है। अब भाई जैसे देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है या फिर किसी पाकिस्तानी मीडिया से कोई एक न्यूज़ चैनल आ रहा है और वो कोई इंडिया को कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो अब क्या होगा कि जो भारतीय लोग हैं हम लोग जो है वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। भले ही हम लोग आपस में लड़ रहे हों लेकिन जब बात देश की आती है तो सब लोग क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे कि भाई चलो इसने जो है हमारे देश को ऐसा उल्ट गलत कहा है या हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर लिया है तो हम भी चलने को तैयार है, लड़ाई अपनी जो है बाद में देख लेंगे, पहले जो है बॉर्डर सुलझा के आते हैं ना, तो वो वाला सिस्टम हो जाता है। यानी कि नागरिकता जो है वो क्या करता है कि आपके अंदर उस राष्ट्र के प्रति एक निष्ठा की भावना को उत्पन्न कर देता है। और इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि राज्य के विकास में है ना एक सक्रिय भागीदारी की बात होती है। नागरिकता क्या होगा? आपका राज्य के विकास में यानी आप अपने देश के विकास के लिए आप क्या करेंगे, एक सक्रिय भागीदारी में योगदान देंगे और इसका प्रयोग आप जो है देश की एकता अखंडता को बचाने के साथ साथ आगे कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो नागरिकता है वो बहुत सारे अधिकारों का एक स्रोत है। योग करके आप अपना स्वयं का सर्वांगीण विकास तो कर सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ समाज का और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास भी कर सकते हैं। यानी कि नागरिकता क्या है? नागरिकता बहुत सारे अधिकारों के होने का एक अधिकार है ना। अगर हम नागरिकता को एक लाइन में और यहाँ पे कहें तो नागरिकता क्या होगी? नागरिकता बहुत सारे अधिकारों के होने का एक अधिकार है। नागरिकता बहुत सारे अधिकारों के होने का अधिकार है। समझ रहे हैं? ठीक है, यानी कि अगर आपको नागरिकता मिल जाती है तो आपके पास बहुत सारे अधिकार अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो ये जो नागरिकता का अधिकार है वो अपने आप में ही बहुत सारे अधिकारों को समेटे हुए है। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बात बताई है, एक जो नागरिकता का जो एक कंसेप्ट आता है या नागरिकता जो शब्द है उस चीज़ को आप यहाँ पे शायद समझने में अब जो आप समझने में सक्षम रहे होंगे कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि भाई कैसे नागरिकता होता है या नागरिकता का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम राजव्यवस्था का मीनिंग समझते हैं, संघ का मीनिंग समझते हैं, यूनियन का मीनिंग बनने मतलब समझाया आप लोगों, वैसे ही नागरिकता का क्या मतलब होता है वो तो ध्यान रखिए। नागरिकता क्या है भैया? नागरिकता एक स्तर है, एक स्टेटस है ना, एक स्टेटस है। नागरिकता का है भैया? एक स्टेटस है। और इसके बाद जो है नागरिकता जो है क्या बताता है, किस बात की घोषणा करता है कि भैया तुम्हारा और राज्य के बीच में एक अंतर संबंध की घोषणा करता है। यानी कि राज्य और नागरिक, जो नागरिक है वो उस राज्य का नागरिक है, इस बात की घोषणा करता है। और अगर नागरिकता आपको किसी देश की मिल जाती है तो आपको बहुत सारे अधिकार अपने आप ही मिल जाते हैं। यानी कि नागरिकता जो है बहुत सारे अधिकारों का एक अधिकार है। और एक नागरिक निष्ठावान होता है एक राष्ट्र के प्रति और उसके विकास के क्रम में विकास करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, उस अपना विकास तो करता ही करता है साथ में समाज का और देश का ही विकास करता है। तो यहाँ तक नागरिकता का जो एक मीनिंग है कि नागरिकता क्या होती है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने संवैधानिक प्रावधान की, जो कुछ अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में उसकी, अब संवैधानिक प्रावधानों की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान जो नागरिकता को लेकर हैं वो क्या बताए गए हैं हमारे संविधान में, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब संविधान हमारा बन रहा था तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं थे, ठीक है, उस टाइम पे। अभी जो है टोटल कितने भाग हैं? अभी 25 भाग हैं। पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आप लोगों को इसको समझाया था बहुत अच्छे से, और तीन भाग जो अलग से जोड़े गए, 4A, 9A
और 9B वो कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए वो मैंने आप लोगों को समझाया है। तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि कौन कौन से संविधान संशोधन थे 4A को जोड़ने के लिए, 9A को जोड़ने के लिए, 9B को जोड़ने के लिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं तो ये संख्या अभी 25 है वर्तमान में, और इसमें से एक भाग है हमारे संविधान में, क्या भाग दो है ना, भाग दो है। और इस भाग दो में अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं आपके 5 से 11। कितने से? 5 से 11। कितने से कितने तक? 5 से 11 तक। तो 5 से 11 तक इसमें भाग दो में अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो इसमें 5 से 11 तक जो है नागरिकता के संबंध में कुछ चीज़ों को बताया गया है। देखिए जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय हमने जो संविधान सभा थी हमारी, उस संविधान सभा के पास बहुत सारे काम थे। केवल नागरिकता किस किस को दी जाए उस पर डिसाइड करना जो है अभी बड़ा ही मुश्किल काम था। तो क्या किया हमारे संविधान निर्माताओं ने कि 5 से 11 में कुछ चीज़ों को समेट के रख दिया कि उस समय यानी कि 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उसके बनने से पहले यानी कि 1949 तक यानी संविधान लागू होने तक कौन कौन व्यक्ति हमारे देश के नागरिक होंगे उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि भविष्य में किसी व्यक्ति को अगर नागरिकता दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी। तो वो काम जो है किस पर छोड़ दिया गया? संसद पर छोड़ दिया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, बड़ी ही चालाकी से संसद जो बनेगी आगे उस पर छोड़ दिया गया। तो उसका जिक्र भी इसी में किया गया है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता के प्रावधानों को, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को देता है, तो वो हम इस पर बात करेंगे। देखिए बड़ा ही सरल और सिंपल तरीके से मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को समझें इसके लिए हम इसे 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं ताकि हमें अच्छा आसानी से समझ में आ जाए। तो जो पहला भाग होगा इसमें हम पहला पार्ट जो पढ़ेंगे उसको, यानी ये जो अनुच्छेद है हमारे 5 से 11 तक, इनको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। तो अनुच्छेद कितने से कितने तक? 5 से 8 तक। जो 5 से 8 तक हैं ये बताते हैं कि संविधान लागू होने तक नागरिक कौन कौन होंगे हमारे, है ना, कि नागरिक कौन होंगे। तो इस चीज को बताता है कौन? 5 से 8 तक का जो अनुच्छेद है आपका, समझे भैया। फिर इसके बाद अनुच्छेद 9 वो एक अलग कंसेप्ट को बताता है, उस पर बात करेंगे। फिर इसके बाद अनुच्छेद 10 से 11 इसका भी अपना एक महत्व है। तो यहाँ पर हम 3 भागों में बांट लिया। देखो नागरिक कौन होंगे आज़ादी के समय तक या आज़ादी के बाद तक, वो तो कंसेप्ट इसमें बताया गया 5 से 8 तक। 9 में अलग चीज़ बताई गई है, 10 से 11 में अलग चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले 5 से 8 तक कि कौन व्यक्ति जो है नागरिक हमारे होंगे, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक एक करके जो अनुच्छेद है इसमें उन अनुच्छेदों पर बात कर लेते हैं। तो कुछ प्रमुख बातों को जो है इसमें लिख दिया गया है कि भाई जो संशोधन आगे करके जो है आगे भविष्य में कानून बनाकर आप संसद जो है नागरिकता दे सकती है, तो उन चीज़ों को लिख दिया गया है। तो यानी हमारी संविधान सभा ने ये कहा कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन व्यक्ति नागरिक होगा, है ना, कौन कौन व्यक्ति को हम नागरिक बनाएंगे, उसके बारे में उल्लेख किस में किया गया है? 5 से 8 में किया गया है। तो संविधान सभा, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया तो उसमें नागरिक कौन कौन होंगे इस बात को भी दर्शाया गया, यानी कि जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है उसको भी बताया गया कि 5 से 8 तक इसे बताया गया कि 26 नवंबर 1949 तक कौन कौन व्यक्ति जो है जिनको हम नागरिक मानेंगे, उस चीज़ का उल्लेख कितने से कितने में किया गया है? 5 से 8 में किया है। तो इसका अर्थ यह है कि जिस दिन भारत का संविधान जो है अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा, उस दिन हम किस किस को भारत का नागरिक मानेंगे, यानी कि 26 नवंबर 1949 तक हम जो है कौन कौन हमारे देश के नागरिक होंगे उसको हमने यहाँ तक देखा, 1949 तक की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आगे कि 5, 6, 7, 8 इनमें किन किन बातों को बताया गया है। टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट में हम चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो अनुच्छेद पांच क्या कहता है? अनुच्छेद 5 ये कहता है कि जो व्यक्ति
पिछले 5 वर्ष में संविधान लागू होने से, इसमें क्या बात बोला गया है कि कोई व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पिछले 5 वर्षों से ठीक है भारत में रह रहा है और आगे भविष्य में भी भारत में रहने की मंशा रखता है तो उसे जो है डोमिसाइल के आधार पर, किसके आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर नागरिक मान लिया जाएगा, उसे नागरिक मान लिया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो संविधान लागू होने से 5 साल पहले तक भारत में रह रहा था और अब उसकी मंशा नहीं है भारत से कहीं और जाने की, वो भारत में ही आगे रहना चाहता है, तो वो 5 में बताया गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, 5 में किसको बताया गया, 5 में वो लोग नागरिक होंगे जो संविधान लागू होने से 5 साल पहले तक भारत में रह रहे थे और आगे भी भविष्य में भी वो भारत में रहने के इच्छुक हैं। तो सामान्य सी बात थी कि उस समय ऐसे नागरिकों को क्या कर लिया गया, भारत का नागरिक मान लिया गया। फिर उस समय क्या हुआ कि देश के 2 हिस्से हुए, जब देश के 2 हिस्से हुए तो 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान। एक पाकिस्तान इधर बना पश्चिम में और एक पाकिस्तान पूर्व में बना जो आज बांग्लादेश है। तो ये 2 देश बनाए गए। तो जब 2 देश बने तो स्वाभाविक सी बात थी कि अब वहाँ के नागरिकों को ये अधिकार दिया गया कि वो जिस देश में चाहें उस देश में जाकर नागरिक बनकर रह सकते हैं। ये स्वाभाविक सी बात थी, ये अधिकार उन्हें दिया गया। तो संविधान का जो अनुच्छेद 6 है, यानी कि अनुच्छेद 6 है, वो क्या कहता है, वो भैया क्या कहता है, वो ऐसे नागरिकों को अधिकार देता है कि जो व्यक्ति भारत में 19 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से भारत आ गए थे, यानी कि जो लोग भारत की नागरिकता लेना चाहते थे और वो 19 जुलाई 1948 तक भारत आ चुके थे और इस मंशा से आए थे कि वो अब भारत में ही भविष्य में रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, किसमें बताया गया, 6 में बताया गया। अनुच्छेद 6 किसको कहता है कि 19 जुलाई 1948 तक जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे और इस मंशा से आए थे कि उनको अब भारत में ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए वह देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में बसे, अलग अलग हिस्सों में वो बसने लगे और उनको जो है यहाँ पर नागरिकता दे दी गई कि अब जो है वो भारत से वापस नहीं जाएंगे। लेकिन भाई क्या होता है कि कुछ लोग कन्फ्यूज लोग होते हैं, है ना, क्या कन्फ्यूज लोग होते हैं कि जिनके बारे में अनुच्छेद 7 में बताया गया है। अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया है, कन्फ्यूजन क्या हो गया कि पहले तो जी भारत में रहे, अब भारत में जब रहे तो यहाँ से जब देश का बंटवारा हुआ तो वो वहाँ चले गए, क्योंकि भाई अड़ोस पड़ोस के लोग भी चले गए, जो जानने पहचानने वाले थे वो भी चले गए, तो भाई पाकिस्तान चले गए, लाहौर चले गए। अब वहाँ गए तो क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने जो है उनके साथ गलत व्यवहार किया, मुजाहिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको मतलब डराया धमकाया, तुम मतलब एक हीन भावना से देखा, तो समझ आया कि भाई वहीं सही था, अपना जो भारत था वहीं सही था, जहाँ हम रह रहे थे दिल्ली में वहीं ठीक था, वहीं वापस चलते हैं। तो ऐसे लोग जो वापस भारत आते हैं, है ना, जो कन्फ्यूज लोग हैं जो भारत वापस आते हैं, उनको पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिक मान लिया गया। ठीक है, नागरिक मान लिया गया, क्लियर है। यानी कि अब 26 नवंबर 1949 से पहले लोग आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि वो लोग जो कन्फ्यूज थे, जो कभी इधर गए कभी उधर गए, है ना, पहले पाकिस्तान चले गए, फिर वहाँ पर उन्हें अच्छा नहीं लगा, मन नहीं लगा, वहाँ के लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वो वापस जो है भारत आ गए। तो जब भारत आएंगे तो उनको किसके माध्यम से नागरिकता मिलेगी, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन ये अब लागू नहीं होता है ये चीज़ें, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैंने आपको अभी शुरू में क्या बताया कि जब हमारी संविधान सभा कानून बना रही थी, ये नियम बना रही थी, तो उसमें आगे चल के मैं अभी बताऊंगा कि एक बात और लिखी गई कि संसद जो है भविष्य में नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। तो अब ये जो 5 से 8 तक आप देखेंगे कि कौन कौन नागरिक होंगे, केवल इस चीज़ को बताया गया है, ना कि ये बताया गया है कि उसे नागरिकता
कैसे प्राप्त होगी, किस तरीके से प्राप्त होगी, ये नहीं बताया गया। ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि 5, 6, 7, 8 में ये बताया गया है कि कौन कौन भारत के नागरिक होंगे, ना कि ये बताया गया है कि उन्हें नागरिकता कैसे मिलेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, फोकस में रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 8, देखिए अनुच्छेद 8 में ऐसे लोगों को रखा गया जो भारत में नहीं रहते थे, है ना, यानी कि कोई व्यक्ति जो भारत में नहीं रहता था, वो ब्रिटिश काल में ही क्या हुआ कि वो कनाडा चला गया। ठीक है, दिल्ली का एक परिवार था जो कहाँ चला गया, कनाडा चला गया। मान लेते हैं कि भाई 1905 में वो कहाँ चला गया, कनाडा चला गया, या किसी दूसरे देश में चला गया। अब वहाँ कनाडा चला गया, अब कनाडा जाने के बाद उसने देखा कि भाई अलग अलग तरीके से भारत में बड़ी ही हिंसा हो रही है, अलग अलग जो आंदोलन हुए कि भाई वहाँ पे स्थिति ठीक नहीं, अब वहाँ वापस जाके क्या करेंगे। उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली, वहीं पर वो लोग बस गए। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और उनको लगा कि भाई अब जो है हमारा देश आज़ाद हो चुका है, कि अब जो है हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि भाई देश जो है वो मिट्टी जो है हमें बुला रही है, तो हम वापस चलते हैं, देखते हैं हम वहाँ पर ही, अब वहीं रहेंगे, अपने ज़मीन पर ही रहेंगे, वहीं रहेंगे। तो ऐसे लोग जो भारत में नहीं रह रहे थे लेकिन अब वो भारत में आना चाहते हैं, भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, ठीक है, उसे जो है नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम कह गए कि जो संबंध के आधार पर, है ना, संबंध के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, संबंध के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति यहाँ पर कर दी गई। तो 8 में जो है सिंपल सा इस चीज़ को बताया गया कि जो संबंध के आधार पर, यानी किसी के दादा दादी या फिर नाना नानी या कहा जा सकता है माता पिता में से कोई जो है काफ़ी पहले भारत छोड़ कर चला गया था, लेकिन अब उसके जो वंशज हैं वो भारत में वापस आना चाह रहे हैं आज़ाद होने, भारत के आज़ाद होने के बाद, तो उन्हें जो है नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी संबंध के आधार पर। तो भाई यहाँ तक हमने, मैंने बताया कि 5 से 8 तक हमने क्या चीज़ देखा कि नागरिक जो है, नागरिक कौन होंगे, है ना, इस चीज़ को यहाँ पर दिया गया कि कौन कौन नागरिक होंगे, इस बात को यहाँ पर 5 से 8 में सिंपल और सीधे तरीके से बताया गया। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 5 में उन लोगों को बताया गया जो जिनको डोमिसाइल के आधार पर दिया गया, यानी कि जो पहले से ही भारत में रह रहे थे, यानी कहा जा सकता है तो एक टाइम यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया कि भाई 5 साल से संविधान लागू होने के 5 साल से पहले से जो भारत में रह रहे थे और उनको आगे भी भविष्य में भी भारत में रहने की मंशा है, यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तो उनको नागरिक मान लिया गया। फिर इसके बाद ये किया गया कि भाई देश के 2 टुकड़े हुए, है ना, भारत पाकिस्तान बना, और एक डेट बता दी गई कि भाई 19 जुलाई 1948 तक जिन लोगों को आना है वो आ जाए, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो अब वो लोग जिनको आना था आ गए, जिनको जाना था चले गए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है 2 देश बने और जिन लोगों को जहाँ जाना था, जहाँ रहना था, वहाँ वहाँ लोग चले गए। तो 19 जुलाई 1948 तक जो लोग आए उनको जो है नागरिकता हमने दे दी, यानी कि भारत का नागरिक हमने उन्हें बना लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कन्फ्यूज लोग या ऐसे लोग जो पहले तो बड़े ही खुश होके यहाँ से गए, लेकिन बाद में वहाँ पे जब उनको इज्जत नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, कि उन्हें बुरा भला कहा गया, तो क्या हुआ कि वो वापस यहीं आ गए कि भैया वही अपना भारत ही जो है वो बढ़िया है, वहाँ किसी तरीके का कोई भेदभाव कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर वापस आए, जो लोग आए अब वापस जाकर उनको पंजीकरण के माध्यम से जो है रजिस्ट्रेशन करके जो है उन्हें नागरिक बना लिया गया, जो कन्फ्यूज लोग थे। तो ऐसा होता है, किसी भी देश में होता है कि भाई कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है लेकिन वहाँ से यहाँ आना चाहता है, कि भाई एक ही धर्म के लोग या एक ही जाति के लोग जो वहाँ पर रह रहे थे अब वहाँ से चले गए, वहाँ से हट गए और कहीं और जा गए, चले गए, तो भाई वहाँ अपने लोग हैं ऐसा समझ के वहाँ गए, लेकिन वहाँ पर अपने ही लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो वापस यहीं आ गए। तो पंजीकरण के माध्यम से दिया गया। अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया कि संबंध के आधार पर, यानी कोई व्यक्ति जो अविभाजित भारत का निवासी था वो कभी गया विदेश और वहीं पर रह गया, वहीं की नागरिकता ले ली, अब या तो वो व्यक्ति या फिर उसका कोई वंशज, उसका पोता पोती नाती वगैरह जो है, वो क्या चाहे बेटा बेटी चाहे क्या चाहे कि अब वो भारत के नागरिक हो जाएं, तो अब उनको जो है संबंध के आधार पर नागरिकता दे दी गई। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कौन कौन नागरिक होंगे, तो भाई ये लोग जो हैं आज़ादी के बाद
भारत के नागरिक होंगे, ऐसा इसमें कहा गया। ये नहीं कहा गया नागरिकता कैसे मिलेगी। देखो नागरिकता कैसे मिलेगी ये चीज़ नहीं बताया गया कहीं भी, कि मैंने ये बताया हो कि इतने साल इनको रहना पड़ेगा या इनको जो है इस तरीके की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तब नागरिकता मिलेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। 5 से 8 तक केवल क्या कहा गया है कि नागरिक कौन होंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब बात कर लेते हैं भाग 9 की, अपने भाग 9, 10 और 11 की इनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या चीज़ बताएगी, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आई, कोई किसी शब्द को लेकर डाउट है या किसी बात को लेकर डाउट है और तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाए, और बड़ा ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। 5, 6, 7 में कौन कौन नागरिक होंगे इस चीज़ को बताया गया है, और कौन कौन नागरिक होंगे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्पष्टता से समझा दिया है। तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 9 की, है ना। तो अनुच्छेद 9 में जो बात बोली गई है वो बात ये बोली गई है, सीधा सा कंसेप्ट जो बोला गया है वो बोला गया है एकल नागरिकता। तो अब आप लोगों की बात में सीधे दिमाग में जो है फिट हो गई होगी, एकल नागरिकता, ठीक है। तो एकल नागरिकता की बात जो है यहाँ पर की गई है हमारे देश में, कि जैसा अनुच्छेद 9 यही कहता है एकल नागरिकता के बारे में, कहता है कि हम जानते हैं कि अमेरिका में, अमेरिका जो देश है वहाँ पर क्या है, दोहरी नागरिकता है ना। जो अमेरिका है वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता पे वहाँ का मतलब क्या हो गया कि एक तो वहाँ के देश है ना, राष्ट्र की नागरिकता लेनी होगी, और एक वहाँ पर राज्य की नागरिकता लेनी होगी, है ना। तो दो नागरिकता वहाँ पे लेनी होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और दोहरी नागरिकता के भी दो अर्थ होते हैं, है ना। एक अर्थ तो ये हो जाता है ना कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश की नागरिकता लें और एक राज्य की नागरिकता लें, तो एक अर्थ तो ये हो जाता है। एक दोहरी नागरिकता का अर्थ क्या निकल के आ जाता है कि एक तो आप उस देश के नागरिक हैं जिसमें आप रह रहे हैं, मान लीजिए कि अमेरिका के ही नागरिक हैं, ठीक है। तो क्या अमेरिका के नागरिक को इंग्लैंड के का नागरिक बनने का राइट है? तो ऐसा कुछ विकसित देश जो है अपने यहाँ चीज़ों को रखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, मतलब रखते हैं, उनको मान्यता देते हैं, इस चीज़ को मान्यता देते हैं। लेकिन भारत जो है इस चीज़ को मान्यता नहीं देता है। भारत केवल कैसी नागरिकता रखता है, एकल नागरिकता रखता है। वह ना तो राज्यों की नागरिकता देता है किसी को, भारत की ही नागरिकता होगी किसी, हर एक व्यक्ति के पास जो भारत का नागरिक है उसके पास भारत की नागरिकता होगी, राज्य की नागरिकता नहीं होगी। और ना ही वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है किसी दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है भारत का नागरिक रहते हुए। यदि इसमें एक बात क्या बोली गई है और, कि यदि कोई व्यक्ति, या कहा जाए यहाँ पर व्यक्ति नहीं सब लिखेंगे, कोई नागरिक, किसका, भारत का नागरिक है ना, कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तब उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। समझिए, तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है एकल नागरिकता का, किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में एकल नागरिकता को बताया गया, यानी कि अनुच्छेद 9 में ये स्पष्ट किया गया है या स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेगा वह भारत की नागरिकता खो देगा, है ना भाई। क्लियर है, बात समझ में आ गई, सिंपल और सटीक चीज बताया गया है अनुच्छेद 9 में। तो ये अभी भी है, ठीक है, ये चीज आज भी हम देखते हैं कि भारत की नागरिकता क्या, एकल नागरिकता। एक क्वेश्चन और पुटअप हो जाता है कि एकल नागरिकता वाला जो विचारधारा है या जो हमने विचार लिया है वो विचार किस देश से लिया, तो ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता का कंसेप्ट लिया है। तो चलिए 10 और 11 पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि 10 और 11 क्या चीज़ कहते हैं। तो ये बात तो समझने लायक है, कंसेप्ट हैं इस चीज़ में, सीधा सा एक कंसेप्ट है वो आप लोगों के समझ में आ गया। तो जो अनुच्छेद 10 है, देखिए अनुच्छेद 10 में कुछ ऐसे खास बात को नहीं बताया गया है, लेकिन जब बात ये आ रही थी
जो लोग वहां से आए, पांच वाले जो अनुच्छेद पांच के लोग हैं वो तो खैर यहीं पर ही थे और यहीं पर ही रहे। छह में वो लोग जो वहां से आए कहीं दूसरे देश से आए, कब तक? 16 जुलाई 1948 तक, ठीक है, वो लोग आए। सात में वो लोग जो चले गए थे फिर वापस आए, ठीक है। आठ में वो लोग जो कहीं और के नागरिक थे फिर भारत के नागरिक हो गए। क्यों? संबंध के आधार पर, कि पहले वो भारत के मूल निवासी तो थे, मूल नागरिक तो थे, मूल भारतीय मूल के तो थे, लेकिन भारत में नहीं रहते थे तो उनको नागरिकता दी गई संबंध के आधार पर। तो अनुच्छेद पांच और अनुच्छेद आठ वाले तो एक तरीके से सुरक्षित मान रहे थे अपने आप को कि वो भारत के नागरिक बने रहेंगे, लेकिन जो अनुच्छेद छः और सात वाले थे, ये व्यक्ति को मन में ये था कि कहीं आगे चल के हमारी नागरिकता छीन तो नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर अनुच्छेद 10 में बस ये कहा, ये संविधान निर्माताओं ने ये रख दिया कि भाई जो नागरिक बनेंगे, जो नागरिक हैं, उनकी नागरिकता नहीं ली जा सकती है, ठीक है, लेकिन बाय लॉ, कानून के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। देखिए यहां पर बड़ी, हमारे संविधान निर्माता जो है, अब मैं जब संविधान को थोड़ा समझता हूँ या पढ़ता हूँ, या आप लोग भी अगर समझें या पढ़ें, तो आप सोचेंगे कितना दूर का हमारे संविधान निर्माता लोग सोचते थे, है ना। उन्होंने उनको संरक्षण दिया है यहाँ पर अनुच्छेद 10 में कि भाई ठीक है, लेकिन यही बोला है कि लॉ के द्वारा ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें, नागरिक बन गए, अब आप कुछ भी करें आपकी नागरिकता नहीं ली जा सकती है ना। आप देश के विरुद्ध विद्रोह करने लगे या फिर की जो सूचनाएं हैं वो कहीं और देने लगे, तो इस तरीके से क्या होगा कि ये तो हमारे देश के लिए बेकार होगा। तो आप कानून के द्वारा जो है, कानून के द्वारा आपकी नागरिकता ली जा सकती है एक ऐसे समय पर जब आप देश के लिए खतरा हो जाए, तो उस चीज़ को यहाँ पर स्पष्ट रूप से, लेकिन संरक्षण दिया गया कि अगर आप ठीक ठाक से रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता नहीं ली जाएगी। तो 10 में इस चीज़ को समझा दिया गया सीधा सा। 11 जो है वो एक और महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, क्योंकि 11 में ही संसद को यह अधिकार दिया गया। क्या? अनुच्छेद 11 में क्या, किसको? संसद को यह अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया? कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, बना सकती है। तो किस संबंध में कानून? नागरिकता के संबंध में। कैसे कानून? कि किसी व्यक्ति को, किसको? किसी व्यक्ति को। देखिए व्यक्ति बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना। व्यक्ति का मीनिंग नागरिक नहीं है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है, नागरिक भी हो सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे दी जाए? नागरिकता कैसे दी जाए? तो इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? हमारी पार्लियामेंट को है, हमारी संसद को है, जो कि अनुच्छेद 11 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया। जैसा कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया कि हमारी जो संविधान सभा थी, इसके पास इतना काम था कि वो अब नागरिकता कैसे दी जाएगी, भविष्य में किस किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी, उस पर विचार करने के इतना समय नहीं था। तो उसने क्या किया कि एक सीधा सा ये बर्डन जो है, ये जो काम है, संसद को सौंप दिया, अनुच्छेद 11 में इस बात को लिख दिया कि नागरिकता के संबंध में कानून जो है वो कौन बना सकती है? संसद बना सकती है, कि किसको किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी या नागरिकता पाने के क्या क्या प्रावधान होंगे वो दी जाएंगे। तो यहाँ तक अनुच्छेद 11 में इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपको 5 से 11 तक का कंसेप्ट जो है, किसका? नागरिकता से संबंधित 5 से 11 तक का जो कंसेप्ट है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो अब संसद ने इस अधिकारों को का उपयोग करते हुए अब कानून, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं था कि भविष्य में अगर कोई व्यक्ति हमारा नागरिक बनना चाहता है तो नागरिक कैसे बनेगा, उसके लिए क्या प्रोविजंस होंगे, क्या रास्ते होंगे, क्या तरीके होंगे, वो तो हमारे पास था नहीं।
तब इसके बाद संसद जो है 1955 में कानून बनाती है, और वो ही कानून आज उसी कानून में जो संशोधन है वो आजकल विवाद का मुद्दा भी बना हुआ है। और रेगुलर आप लोगों ने सुना होगा NRC, NPR और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, वो उसी कानून में संशोधन को लेकर विवाद उत्पन्न है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 11 में संसद को ये अधिकार दिया है, और इसी अधिकार का उपयोग करके संसद क्या करती है, अनुच्छेद 11 का उपयोग करके नागरिकता अधिनियम 1955 क्या नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण करती है, जिसमें बताया गया कि कैसे नागरिकता प्राप्त की जाएगी, कैसे नागरिकता प्राप्त की जाएगी, ठीक है, नागरिकता को प्राप्त करने के क्या रास्ते हैं, क्या तरीके हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो बताया गया कि जैसे नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण, पंजीकरण का तरीका है, रक्त संबंध को लेकर तरीका है, तो ये अलग अलग जो तरीके हैं उसको बताया गया नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो आगे की जो अगली वीडियो होगी हमारी वो इसी पर होगी कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है और इससे नागरिकता पाने के क्या क्या तरीके हैं, और हम बात कर लेंगे थोड़ा सा जो उसमें अलग अलग संशोधन हुए, कब कब संशोधन हुए, और अभी का जो वर्तमान में जो संशोधन जो विवाद है उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर कल की वीडियो में यानी कि अगली वीडियो में दूसरी वीडियो में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है चैप्टर, तीसरा वीडियो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ में डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, और ऐसे ही इसमें भी मज़ा हमें आ भी रहा है पढ़ने में और समझाने में भी, और आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझने में भी बड़ा मज़ा आया होगा। तो 5 से 11 तक जो आर्टिकल हैं वो, और अनुच्छेद 11 जो कि नागरिकता अधिनियम बनाने का अधिकार मिला संसद को, उसके द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 बना, और उसके बाद की क्या कहानी है उसको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।